hi friends uh, I don't know where to start from it's funny I'm supporting something which everybody should be opposing like it's, we're living in a free country and uh, I'm also opposing something which is not good for the society as per BhP and RSS and there are several other people so finally I'm talking about the porn which has been banned in India jada Kuchken like शायद हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं प्रोग्रेसिव होने के बजाय पुराने कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं वो कल्चर जिसमें हो है जहाँ पर काम सूत्रा है जहाँ पर आप हर तरीके के काम को कर सकते हैं लेकिन पर्दे के पीछे लेकिन वन इट कम वन इट कम्स टू द एक्सेस टू फ्री फॉर्म यू कैन नॉट इवन वॉच इट इन योर हाउस इन योर रूम आई थिंक दैट्स पथेटिक आई डोंट द गवर्मेंट इज़ थिंकिंग एंड मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इट कु बैड बिकॉज इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं uh, एक आम इंसान जो कि पढ़ा लिखा है एडल्ट है अगर उसको एक्सेस चाहिए पाउन के लिए ही शुड हैव द राइट टू वॉच एनी थिंग ही वॉन्ट्स उसको हक है वो जो मर्जी देख सकता है इस लाइफ में इस जिंदगी में आ, हर किसी को हक हाँ है उसकी मर्जी से रहने का सो मॉरल पुलिसिंग जैसे हम कहें वैलेंटाइन डे पे जो बजरंग दल बी वगैरह जो ये हरकतें करते हैं इट इज़ नॉट गुड इससे मिलेगा क्या आप uh, बैन कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली यस, आई हैव वॉस्ट इट सेवरल टाइम्स बट आई एम नॉट टू इट पर जो बंदे इसको पॉन को देखते हैं उसमें आदमी भी हैं लेडीज भी हैं। लाइक एंड लेट्स बी फ्रेंक एवरीबडी वॉचिस इट बाइक पर्दे में के पीछे होता है हमाम में नंगे हैं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को बैन किया जाता है तो उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आता है लाइक like, मैंने एक बुक पढ़ी थी ओशो की उसमें लिखा था कि एक स्कूल था उस स्कूल में एक स्टोर रूम था स्टोर रूम में क्या पड़ा था किसी को नहीं पता था एंड नो बडी केयर्ड अबाउट इट किसी को कोई परवाह नहीं थी कि उस रूम में क्या है एक नए प्रिंसिपल आए उन्होंने कहा यार स्टोर रूम में काफ़ी कुछ पुराना भरा हुआ है तो ऐसा करते हैं स्टोर रूम पे ऊपर लिख देते हैं कि इस कमरे में आना मना है उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया अब जब बोर्ड लग गया तो हुआ ये कि जिस रूम को कोई पूछता नहीं था जिस रूम की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूम हो गया उस पर्टिकुलर स्कूल का कुछ लोग दबंग थे वो छाती चौड़ी करके छप्पन इंच की छाती चौड़ी करके वहां जाते थे रूम में देखते थे क्या है जिसको कभी पूछा भी नहीं था पहले कुछ लोग डरपोक थे वो चोरी छिपे तृषि नजर से देखते थे यार क्या है कुछ लोग अंधेरे में देखते थे कुछ लोग शाम को छुप छुपा कर देखते थे पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जिस पर्टिकुलर रूम को कोई पूछता ही नहीं था वो रूम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया कि उसमें तो देखना ही है पता नहीं उसमें क्या है सो आई थिंक सेक्स के साथ भी इंडियन कल्चर में यही है एवरीबडी नो सबको पता है क्या है क्या नहीं है कैसे है एवरीबडी नोज़ इट पर हम उससे दूर भागते हैं अब पॉन से दूर भाग रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कुछ लोग दबंगई से दबंग होंगे वो जा, जान जानबूझ कर लाइक like, फोर्सफुली देखेंगे कुछ लोग चोरी छुपे देखेंगे जिनको नहीं दिखेगा वो उसको एक्सेस ढूंढने के लिए बाहर काइंड ऑफ स्मगलिंग उस तरफ जाएंगे सो so, ओवरऑल इसका फायदा नहीं है अगर कोई चीज़ अवेलेबल है उसका कोई मिस का कोई आ, हमारे पास रिटर्न पैटर्न नहीं है कि अभी तक जिन लोगों ने देखा क्या वो रेपिस्ट ही बने उस सेंस में तो जिन्होंने रामायण देखी हो या महाभारत देखी हो वो सब संत बनने चाहिए अगर आपका ये क्लेम है आप ये कहते हैं कि फॉर्म देखने से बंदे का दिमाग भटक जाएगा और दे कैन रेप पीपल तो क्या रामायण देख कोई राम बना क्या कोई संत बना कोई वाल्मीकि बना सो वो एक्सक्यूज बिल्कुल शटी है मैं ज्यादा नहीं कुछ कह सकता मेरी सोच अभी पॉलिटिशियंस के लेवल पे नहीं है लेकिन इट्स अ फ्री कंट्री हर किसी को हक होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं आई थिंक इस तरीके के से चाहे कि ध्यान लगाया जाए कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी को एजुकेटेड किया जाए अनपढ़ता से ऊपर उठा जाए एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट नॉट द फॉर्न बैन एम्प्लॉयमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट नॉट द फॉर्न बैन सो मोदी जी छप्पन इंच की छाती है कुछ तो कीजिए हैव फन बाय